जो जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति, विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्तिजनक बात कही, जो कि मैं आपको ये 20-25 सेकंड का है सुनाना चाहता हूं। I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and you know talking. मतलब वो महोदय ये कह रहे हैं कि भारत की विविधता और लोकतंत्र राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से उत्प्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना, मीन्स इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट, दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा समिति, विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे और अब राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप सात समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है यह बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये वही हिंदू संस्कृति है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब इसके आगे तो और भी भयानक बातें उन्होंने कही जो आपके संज्ञान में होगा कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया, आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे, ये भारत के अस्तित्व पर भारत। और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से, ये है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, ये वही विदेशी मानसिकता है जो अंग्रेजों ने मुगलों ने हमारे दिमाग में भरी थी। ये कौन सब बाहर से आए थे, हिंदुस्तान तो एक सराय था। आप सबको याद होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था वो शेर, दूरदर्शन पे आता था, सरजमीन हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तान बनता गया। ये काफिले में सराय बनाने वाले हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है। हम इस कॉन्सेप्ट को कतई नहीं मानते, हम उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं जिन्हें उन्हें न समझ में आता हो कि उत्तरम यत समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रभि वर्षम यत भारत नाम भारतीय यस्य संतति। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भूभाग है वह एक महान देश है जिसमें रहने वाला हर देश भारतीय माना जाता है। इसलिए अब मैं ये कह सकता हूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है, भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, द
दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो और बाहर से जोड़ो, को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, यह इनका कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं साफ यह कहना चाहता हूं कि अब राहुल गांधी जी के उस्ताद ने, यानी उनके गुरु ने जो उस्तादी दिखा दी है, अब मुझे नहीं लगता है शागिर्द का अब कोई ऑप्शन बचा है। और इसके साथ एक और बात साफ हो गई है, ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में एक्सरे क्या है। और कल सोनिया गांधी जी ने कहा था ना इंक्लूसिव इंडिया, वो इंक्लूसिव इंडिया कितना डिविजिव है ये उससे साफ हो गया है। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ पुनः ये कहना चाहता हूं कि भारत के अस्तित्व के ऊपर अब इस चुनाव को वो ले आए हैं। ये विदेशी मानसिकता और विदेशी प्रभाव के भारत बनाम स्वदेशी और स्वाभिमानी भारत के बीच की लड़ाई है।